खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज नगर पालिका डोंगरगढ़ में उग्र आंदोलन किया गया, जहां भाजपाइयों ने पुलिस की तगड़ी व्यवस्था और बैरिगेड्स को खुद फांद कर नगर पालिका के मुख्य दरवाजे पर पहुँच कर नारेबाजी करने लगे। नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किया जाता है, विकास कार्य बीजेपी वार्डों में नहीं कराया जाता है। वहीं अमित छाबड़ा ने बताया कि 11 बिंदु पर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर पालिका परिषद के सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा 11 बिंदु पर ज्ञापन दिया गया है, जिस पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। लगभग 11 विषय है, मैं आपको मेन बिंदुओं पर बता देता हूँ। नगर पालिका में जो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए उसको उजागर कर रहे हैं। हम लगातार पत्रकारिता के माध्यम से ये बताते आ रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार ये लोग करते जा रहे हैं। पन्नों पे सारे बिल बनते हैं लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। आज ये सरकार झूठी सरकार, जब 14 वित्त का पैसा नगर पालिका में आया तो इन्होंने पूरे 12 वार्ड कांग्रेसी वार्डों में खर्च कर दिया। हमने परिषद के एजेंडा में नया विषय लाया कि बीजेपी वार्डों में भी काम होना चाहिए, तो उसमें विषय आया कि 15 वित्त की राशि से बीजेपी के वार्डों में काम होगा, जो कि पास किया गया। उसके बावजूद इन्होंने 15 वित्त की राशि से कहीं मशीन खरीद लिया, कहीं कुछ कर लिया, ऐसे करके पैसे को खत्म करने के कगार पर खड़े हैं ये लोग। ऐसे लगातार जो है मशीन भी आई, जो 6 से 7 लाख की मशीन है, कचरा से खाद बनाने वाली, गोबर से खाद बनाने वाली मशीन, उसका भी 54 लाख का टेंडर इन्होंने लगा के, कैसे टेंडर लगाए हमें जानकारी नहीं, लेकिन आप जाके स्वयं देखें क्या वो मशीन 54 लाख की दिखती है। ऐसा घोर भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, ये लगातार भ्रष्टाचारी है और इनका भ्रष्टाचार को उजागर आज करना है। अगर ये बीजेपी वार्डों में भेदभाव बंद नहीं करेंगे तो अगला जो है नगर पालिका में तालाबंदी नहीं होगा, इसे बहुत घोर यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा और यहाँ नहीं पूरे शहर में, पूरे शहर में घूम घूम के बताया जाएगा जनता को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 बिंदुओं में ज्ञापन दिया गया है, उसमें 14-15वीं अधोसंरचना में विकास कार्यों का है और बिजली पानी सफाई के बारे में है, इसी बिंदुओं पे है। 11 बिंदुओं पे ज्ञापन जारी दिया गया है, उसका हम लोग परीक्षण कराकर और उसकी रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उनके द्वारा जो भी वहाँ से दिशा निर्देश मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो है जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है उनको भी इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। राजनांदगांव से गोवर्धन सिन्हा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।